राजनीति में जिस तरह से उठापटक चल रही थी, वहीं जब शनिवार की सुबह अखबारों में पढ़ा गया कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, तो वहीं टीवी पर दिखाया गया कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो वहीं अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से बदलाव आया, जो सियासी समीकरण में बदलाव आया, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो शाम तक, शुक्रवार की शाम तक कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे होंगे, तो वहीं शनिवार की सुबह को पता चला कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर बीजेपी ने सरकार बना ली है। तो वहीं बताते हैं चलिए कि अजीत पवार कौन है और इनके राजनीतिक सफर के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में, मैं हूं आपके साथ श्रुति। महाराष्ट्र की बारामती सीट पिछले 52 सालों में यहां से विधायक की कुर्सी पर सिर्फ दो ही लोग बैठे हैं और वो दोनों ही पवार परिवार से हैं, शरद पवार और अजीत पवार। अब तक दोनों इस सीट से 6-6 बार विधायक बन चुके हैं। दोनों ने मिलकर 8 बार कांग्रेस और 4 बार एनसीपी के झंडे पर जीत हासिल की। शरद पवार साल 1967 से 1990 तक लगातार कांग्रेस से लड़े और जीते। बाद में उनके उत्तराधिकारी के रूप में अजीत पवार ने भी 2 बार कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। फिर शरद पवार कांग्रेस से अलग हो गए और एनसीपी का गठन किया। तब से लेकर अब तक 4 बार अजीत पवार एनसीपी से यहाँ जीतते रहे थे। शिवसेना या भाजपा में से कोई भी कभी भी यहाँ जीत नहीं पाया था। वहीं इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो 7वीं बार इस सीट से जीते। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में उनके दादा दादी के यहाँ हुआ। अजीत पवार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव पवार के बेटे हैं। उनके पिता वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। अजीत पवार अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आए। राजनीति में वो एक राजनेता से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वो अपने चाहने वालों और जनता के बीच दादा यानी कि बड़े भाई के रूप में लोकप्रिय हैं। अजीत पवार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देवली प्रवर से की और उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड से की। पवार ने केवल माध्यमिक विद्यालय स्तर तक ही पढ़ाई की। कैसा रहा अजीत पवार का राजनीतिक करियर, बताते हैं आपको। अजीत पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1982 में की थी, जब वो केवल 20 साल की उम्र में थे। उन्होंने राजनीति में पहले कदम के रूप में एक चीनी सहकारी संस्था के लिए चुनाव लड़ा। इसके बाद आता है साल 1991, जिसमें वो पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनते हैं और वो 16 साल तक इस पद पर रहे। अजीत 1991 में बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट खाली कर दी। जो उस समय पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भारत के रक्षा मंत्री थे, फिर उसी साल महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए और नवंबर 1992 से फरवरी 1993 तक कृषि और बिजली राज्य मंत्री रहे। तब तक अजीत पवार राजनीति में धीरे धीरे एक बड़ा नाम बन चुके थे। साल 1995-99, साल 1999, 2004, 2009 और 2014 में बारामती निर्वाचन क्षेत्र से वो लगातार जीतते रहे। उनके अब तक के महत्वपूर्ण पदों में कृषि, बागवानी और बिजली राज्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री वहीं और कोकण सिंचाई 3 बार और वो 29 सितंबर 2012 से 25 सितंबर 2014 महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रहे। यानी कि आपको बता दें कि पहले भी ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अजीत को महाराष्ट्र में एक महत्वाकांक्षी नेता के रूप में देखा जाता है और माना जाता है कि उनके पास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण हैं। महाराष्ट्र में साल 2009 में हुए विधानसभा चुनावों के ठीक बाद अजीत ने उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि उस दौरान उनकी जगह छगन भुजबल को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया था, लेकिन फिर सियासत में बदलाव होता है। नाटकीय रूप से दिसंबर 2010 में अजीत की इच्छा पूरी होती है और उप मुख्यमंत्री बनते हैं।
फिर साल 2013 में उनका नाम एक विवाद से जुड़ता है। अजीत का नाम एक सिंचाई घोटाले में आता है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन विपक्ष के आरोप पर एनसीपी के काफी दबाव के बाद 7 दिसंबर 2013 को उन्हें क्लीन चिट मिलती है और वो अपने पद पर फिर से काबिज होते हैं। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के सबसे बड़े नेता के रूप में भी देखा जाता है और कई लोग यहाँ तक कहते हैं कि उनकी वर्तमान एनसीपी प्रमुख और अपने चाचा शरद पवार के साथ तल्खी रहती है। हालांकि उन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार के अनुयायी के रूप में पेश किया है। विवादों से कुछ ऐसा नाता है अजीत पवार का। जी हाँ, जब भी अजीत पवार का नाम सामने आता है तो विवाद भी उनके साथ चले आते हैं। 7 अप्रैल 2013 को आया अजीत पवार का एक बयान बेहद चर्चा में रहा। पुणे के पास इंदापुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरे। उनके इस बयान को लेकर काफी आलोचना की गई थी। बाद में खुद अजीत पवार ने इसके लिए माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। वहीं साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप भी लगे थे। कहा गया कि उन्होंने गांव वालों को धमकी भी दी थी। बोला था कि अगर सुप्रिया सुले को वोट नहीं दिया तो वो गांव वालों का पानी बंद कर देंगे। दूसरी ओर उनका नाम अक्सर भ्रष्टाचार के मामलों में आया है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने कथित रूप से उनके द्वारा इस्तेमाल की गई एक कार को जब्त किया था, जिसमें से 4,85,000 रुपए मिले थे। उन पर पद का दुरुपयोग का भी आरोप लग चुका है। कहा गया था कि उन्होंने जल संसाधन मंत्री रहते हुए लवासा लेक सिटी प्रोजेक्ट के विकास में अनुचित रूप से सहायता प्रदान की थी। तो ये रही जानकारी अजीत पवार की। आपके इस बात में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। और जिस तरह से आप देख ही रहे हैं महाराष्ट्र में कि सियासी गलियारों में जो हलचल मची हुई है, जो हलचल तेज हुई है, बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार ने शपथ ली है। आगे तमाम जानकारी के लिए और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।